ओके, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, एंड व्हाट इज द टाइम इन योर साइड? दिस इज मी फातिमा, दिस फ्रॉम पाकिस्तान कराची से, एंड यू आर वाचिंग द स्पेशल ट्रांसमिशन अबाउट द इंटरनेशनल वुमेन्स डे वॉइस ऑफ मदर टीवी चैनल से। हां जी, वालेकुम सलाम। हां जी, खुसूसी नशियात हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे खवातीन के आलमी दिन के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में 7 मार्च से खवातीन का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत और अफादियत से हर बंदा वाकिफ है, और मैं समझती हूँ कि एक दिन खवातीन के नाम मखसूस करना काफी नहीं है, हर दिन खवातीन के नाम होना चाहिए। लेकिन बहरहाल चलें, एक दिन ही सही। इस दिन कम अज कम दुनिया भर में लोग खवातीन के हवाले से, खवातीन को दरपेश मसाइल के हवाले से बातचीत करते हैं, और आज के हम इस प्रोग्राम में इन्हीं तमाम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो हम अपने तमाम जो इस वक्त हमारे शुरका मौजूद हैं हमारे आज के प्रोग्राम में, हम उनको कहते हैं अपने प्रोग्राम में वॉइस ऑफ मनता टीवी चैनल में कहते हैं खुश आमदेद। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि हमारे जो मेहमान हैं वो अपना तारुफ करवाएं। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं गुरमीत सिंह यूटा से बोल रहा हूँ, अमेरिका से। सो आज का जैसे सभी श्रोता जनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वुमेन डे के उपलक्ष्य में आज का प्रोग्राम है, क्योंकि जो 8 तारीख को भी निकला है वुमेन डे, उसके उपलक्ष्य में आज का प्रोग्राम ये रखा है मानवता चैनल, मानवता बोस चैनल जो है सरदार मेघराज सिंह जी चला रहे हैं। सो उसमें सभी श्रोता और वक्ता जन को रिक्वेस्ट है, और सभी वुमेन को और जितनी भी ख्वातीन या औरतें हैं पूरे देश में, हम उनको फिर दोबारा से बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देते हैं। सो मैं इतना ही बोलता हूँ, आगे जो अपना अपनी इंट्रोड्यूस कराइए सब, आप अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए प्लीज। जी सर, हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, जी मैम, आप अपना माइक जो है अनम्यूट कीजिए, और आप हमें बताएं हमारे तमाम सुनने वालों को कि आप कहाँ से आपने कहाँ से हमें ज्वाइन किया है, और आज के खुसूसी दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ज्योति अजय श्याम कुंवर हूँ, महाराष्ट्र इंडिया से, यवतमाल जिला में रहती हूँ। मैं एक संगठन से जुड़ी हूँ, बामसिप संगठन से, और हम लोग जो है वो जैसे आज आप बोल रहे कि हम महिला मुक्ति दिन का वो अरेंज किया है प्रोग्राम, तो हम ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं होता, ये हर रोज का प्रोग्राम होता है, तो हम वही काम करते हैं, महिलाओं को इस जो गुलामी से कैसे हम मुक्त कर पाए उसके लिए हम काम करते हैं, हम लोग उसके लिए महिलाओं को जोड़ते हैं और उनको शिक्षित कर उनको उनका हक अधिकार उन्हें कैसा दिया जाए ये हम बताते हैं उनको, हम ये सिखाते हैं उन्हें, और हम सब संगठित होकर ये सब काम करते हैं। That's great. आप बताएंगे कि वहाँ आप जहाँ से हैं तो वहाँ पर आमतौर पर खवातीन को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है सबसे ज्यादा? प्लीज रिपीट कीजिए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि सॉरी फिर से कहिएगा। जी, मैं ये मेरा सवाल है कि आप जैसे कि खवातीन की करती हैं, उनको उनको एजुकेट करती हैं, तो आप आपके साथ जितने खवातीन जुड़ी हैं यहाँ जो आपके इलाके की जो खवातीन हैं उनको आमतौर पर किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? किन 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 मुश्किलात और कौन सी कठिनाइयां आपको उनके सामने आती हैं? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि कोई नेटवर्क इशू है लगता है, क्या आप हमें सुन रहे हैं? हाँ, नेट प्रॉब्लम चल रहा है, बार बार कट रहा है मेरा ये। हाँ, अभी बोलिए आप, अभी ठीक आ रही है आवाज, अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप बोलिए प्लीज। ओके,
तो देखिए, जैसे कि हम एजुकेटेड करते हैं, जो बोला है आपने या फिर मैंने भी बोला है ये चीज, तो एजुकेशन क्या होता है? ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन है, या हम जो सोशल में है वो एजुकेशन है, या घर से हमें क्या मिल रहा है वो एजुकेशन है? जो जो लेडीज लोग हैं, जो हम महिलाएं हैं, उन्हें क्या हम लेना है, हमें उन्हें क्या सिखाना है? और सबसे पहली बात ये कि हमें क्या उनको कुछ सिखाने की जरूरत है क्या? वो क्या इतनी अनपढ़ है कि उन्हें हमें सिखाना है कुछ? जो माफी चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि आप जहाँ पर, जिस इलाके में, जिस शहर से हैं इंडिया के, वहां पर आपका खवातीन से ताल्लुक रहता है, तो वो खवातीन के कौन से मसाइल हैं जिनसे ज्यादातर खवातीन, या मुश्किलात हैं जो उन्हें फेस करना पड़ती है? आमतौर पर वो कौन सी मुश्किलात हैं जिसका सामना वहां की खवातीन को करना पड़ता है? जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है इंडिया में जैसा देखा जाए तो रोजगार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से वो लोग, हमारी जो लेडीज लोग है, वो उनको पता है सब कुछ छोड़ के वो पहले काम करना वो होता है, तो प्रॉब्लम हर चीज का है। सबसे ज्यादा है तो ये, इतनी ज्यादा गुलाम है हमारी यहाँ की महिलाएं कि उन्हें हमें हम वही कोई उसका कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा हाँ, है यहाँ पर। नेटवर्क का, हाँ, नेटवर्क का नेटवर्क नहीं आ प्रॉब्लम रहा है, इंडिया में, जिससे रात को बार बार नेटवर्क की कट बड़ी रहा प्रॉब्लम है ये आती है। सब। हाँ, अभी आप बोलिए, अभी आप बोलिए, आपकी बात हाँ, चुप नेट रहा रात में ज्यादा चलता है। है। हाँ, क्योंकि हर आदमी हाँ, यूज वो करता है तो ना अभी इंडिया आ में। रहा है शायद। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज होता है। तो इसलिए एक्चुअली हम, हमारा जो काम है, हमारा जो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है, हम ये जो एक राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ जो चलाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे पर्टिकुलर कोई एक कास्ट का नहीं करते हैं हम, ऑल ओवर कास्ट जो होते हैं, जो 85% जो लोग हैं हमारे, जो ST ST OBC माइनॉरिटीज, जो हम सब है, उनको सब ज्वाइन कर, हम उन सब महिलाओं को ज्वाइन कर, हम उन्हें बताना बताते हैं हम उन्हें कि हम, हमारा हक अधिकार क्या है, हम क्या थे और अब क्या है, और आगे क्या होने वाले हैं, हमारा क्या रोज का काम है। हम लोगों को बस उसमें घर में ही बांध के रखा गया है, तो हमारा उतना ही काम नहीं है, हमें बहुत बड़ा काम करना है। तो हमें क्या करना है, इस देश की आजादी लड़नी है। हम आजाद बस नाम के लिए हुए, पर हम आजाद तो नहीं है, तो हमें हमारी आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं कि हमें हमारी पूर्ण। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे यही लगती है, फिर बाकी तो सभी प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम तो जी बहुत है यहाँ पर। जी शुक्रिया। तो हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ आएंगे। जी, आप अपना माइक जो है ना अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मैम, एक्चुअली मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग द लैपटॉप। हाँ जी, आप किन की बात कर रहे अम्रपाली हैं? मैम, अम्रपाली मैम, आप अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। आपका माइक जो है वो, जी हाँ जी, जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप खवातीन के आलमी दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मैंने अभी अभी ये ज्वाइन किया है, तो अच्छा, पहले तो आज मैं का आपको हमारा थोड़ा, खुशी प्रोग्राम है, हम बात कर रहे हैं खवातीन के आलमी दिन के हवाले से, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे खवातीन के मसाइल जो आमतौर पर उनको पेश आते हैं सोसाइटी में, दौरान मुलाजमत, घर के अंदर, या तालीम हासिल करने के दौरान। आप क्या समझती हैं कि वो कौन कौन से मसाइल हैं जिन पर हमें बात करना चाहिए, या आपके नजर में खवातीन की क्या अहमियत है और सोसाइटी में उनका क्या रोल है? एक मिनट मैम, मैं कुछ बोलिए बोलूँ अम्रपाली मैम से। अम्रपाली ज्योति। मैम, खवातीन मीन्स वाती में से महिलाएं, महिलाएं आपले जे महिलांचे समस्या आहे त्या सध्या काय सुरू आहे त्याच्यावरती तुम, हाँ वही, इसलिए मैं वो क्लियर कर दिया उन्हें। के बारे में कुछ बोलो, बहुत अच्छा, बताइएगा। बहुत अच्छा क्लियर किया आपने। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी और इस बारे में, हमारे महिलाओं को आपने बौद्ध बिल्कुल धर्म मराठी में में, बोले तो बहुत ही क्लियर हो हाँ चुका है इसलिए, अभी। और हाँ, वो बौद्ध धर्म एक्चुअली में हमारे,
एक्चुअली मैं मैडम उर्दू बोल रही है थोड़ा। बौद्ध धर्म में महिलाओं को क्या क्या जगह है वो भी बता देना मैम। महिलाओं को क्या जगह है इस बारे में, तो 8 मार्च का लगता है ये सब्जेक्ट है। मैं अभी आज फर्स्ट डे ज्वाइन हुई हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक बोला था सर और मैम, तो मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। तो ये 8 मार्च का जो महिला जागतिक महिला दिवस जो कहते हैं मराठी में, तो महिलाओं का दिन तो मुझे नहीं लगता मैम कि महिलाओं के दिन आए हैं पर फिर भी इस बात को मैं मद्देनजर रखती हूँ कि महिलाओं के लिए तो मतलब आज भी मनुस्मृति है मैम सर, आज भी मनुस्मृति है हर इंसान के मन में, चाहे बाप हो भाई हो पति हो कोई भी हो, मनुस्मृति है। बहुत सालों से काम कर रहे हैं मगर घर में ही तो बहुत अन्याय है मैम, बहुत अन्याय। माँ भी तो अन्याय करती है, वो भी तो एक औरत ही है। बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी प्रैक्टिकली बहुत कुछ ये किया है कोरोना पीरियड में, 1 साल से मैं घर पे हूँ, तो मुझे बहुत ऐसे अनुभव आए हैं, एक्सपीरियंस बहुत आया है मुझे कि महिलाओं का, तो मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं का दिन ही ना बनाओ ना यार, क्यों बनाते हो, क्यों नाम पे ऐसा करते हो, गलत बात। कोई महिलाओं का दिन नहीं है, वो तो दिखावा करना पड़ता है ना, ड्रामा है सारा। अब तो दिखावा है, सही बात है, आज भी मनुस्मृति है ना सर। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे आप, मैं समझ रहा हूँ। उसका एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं नागपुर से हूँ। हाँ जी, और मैं वर्क भी किया है और काफी वर्क कर चुकी हूँ, पैसा भी बहुत कमा चुकी हूँ। घर में सबका करती हूँ, पेरेंट्स का, बहनों का, सबका, शादी तक सबका। पर जब दिन आता है अपने ऊपर, जब पैसा नहीं होता है, काम छूट जाता है, हाँ जी, तो वही भगवान जैसी बेटी, भगवान जैसी बहन ऐसी लगती है, उनको चुप सकती है घर में, वो शैतान नजर आने लगती है। सही कह रहे, सही कह रहे, रूला सही कह रहे, सही कह रहे। मैं तो कहती हूँ महिलाओं का दिन ही मत बनाओ, महिलाओं का आंसुओं का दिन बनाओ ना। औरत सिर्फ आंसुओं के लिए पैदा हुई है, सहन करने के लिए पैदा हुई है। बिल्कुल ठीक है। सदियों से ये चलता आया है, सालों से चलता है, हम सहन कर रहे हैं भाई, सहन कर रहे हैं हम। हमारे लिए हम और क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते, बहुत सहन कर रहे हैं, करना है। अगर हम कोई नई ये उठाते हैं तो कहते हैं कि बड़ी आई है बहुत, और गांव में रह रहे हैं अभी फिलहाल, माँ बाप के घर रह रहे हैं अभी। तो वह तो शहर में रहते थे, नागपुर में बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। ऐसी एक भी महापुरुष या महापुरुष की अर्धांगिनी ना हो जिनकी, जिनका हमने जन्मदिन या स्मृति दिन ना बनाया हो। बड़े बड़े वक्तव्य रखते हैं हमारे डॉक्टर एनवी ढोके सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आम्बेडकर थॉट्स भी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए है, मैंने ही उनको इन्वाइट किया है। तो सर एक्चुअली प्रोफेसर डॉक्टर यशवंत त्रिपुरे जी को भी मैंने अभी इनवाइट किया पर आए नहीं लगता। डॉक्टर देशभ्रत आरजी है, फिलोसॉफी के में है, मेरे नागपुर के धम्म संगोष्ठी से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत काम करती हूँ, तन मन धन से काम कर रही हूँ। पर जब मैं गांव में आई, कोरोना में अड़ी हूँ, तो बहुत खराब सिचुएशन से मैं गई हूँ, बहुत खराब सिचुएशन। तो पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझती हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? जो महिलाओं सोल्यूशन तो अभी बड़े बड़े लोग निकालेंगे भाई, हम तो स्टूडेंट है, 15-5 साल तो स्टडी किया है अम्बेडकर थॉट्स, बुद्धिज्म, ऑल फिलोसोफर, 10 साल से प्रचार कर रही हूँ बिहारों में, 4-4 महीने से पढ़ा रही हूँ एक एक बिहार में, 14 से 15 बिहार मैंने बांध चुके हैं, जैसे मेरी ड्यूटी लग चुकी है बिना पैसे की, समाज को काम कर रहे ताकि महिलाएं जागरूक हो और प्रचार प्रसार हो। पर रिजल्ट मेरे को तो अभी मेरे मम्मी और बहनों ने इतना बहुत कुछ दिया है कि मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं का दिन मत बनाओ भाई, कोई फायदा नहीं होगा। महिलाओं का आंसू का दिन बनाइए, क्योंकि मोम की तरह है महिला। माँ भी बोलते सहन करना है, करना पड़ता है, हमने नहीं किया क्या फिर, और आपने क्या किया भाई, बहनों का किया, कौन सा ऐसा पहाड़ उठाया जो बोल रहे हो, घर में अकेले पड़ते हैं, क्या करे, मनुवादी सोच तो पास ही है, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, शुक्रिया। जैसे आपने कहा, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ भी हम खवातीन के, महिलाओं के अपने हाथ में ही है।
इफ वी जस्ट रियलाइज दैट कि हाउ मच वी हैव द पावर, हमारे पास कौन सी पावर है, क्योंकि घरों घरों का भी सारा जो मैनेजमेंट है वो एक औरत के ही हाथ, महिला के ही हाथ में होते हैं, जिसका नाम जिसको हम माँ कहते हैं। अगर वो हाँ अगर वो माँ अपने बच्चों की सही ब्रॉडअप करे, उन्हें एक ओपन माइंड, एक ओपन जहन, खुले जहन का की तरबियत, सॉरी मुझे हिंदी तो इतनी नहीं आती, अगर उर्दू नहीं समझती, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोले थोड़ी बहुत ही समझ आएगी, कोई बात नहीं, बोलिए, मजबूरी है, कोई बात नहीं, क्या है ना, अगर एक माँ अपने बच्चों की गुड अच्छा करेक्टर बिल्ड करे उनका, थोड़ा थोड़ा मैं अंग्रेजी मिला के बोल देती हूँ तो शायद समझ में आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी मैम। तो मैं समझती हूँ कि फिर सोसाइटी में इजीली वी कैन सी द चेंज। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मदर के टू बिल्ड अप देयर चिल्ड्रन एज अ गुड ह्यूमन। सो वो द महिलाओं को सी एज अ ह्यूमन, नॉट के वो महिलाएं हैं या वो आदमी को आप लोग क्या कहते हैं, वो मैन है। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में कि ये तो हमारे हाथ में है ना, अगर माएं अपने बच्चों को क्या कहेंगी इस बारे में, आपकी क्या राय है, हमारे पास ये पावर है। तो माने बोलिए जी, आप आर यू एग्री विद मी? पावर तो बहुत है, कर तो बहुत सकते हैं मैम, बहुत कुछ कर सकते हैं, इनको हिला सकते हैं मैम, पर उला के छोड़ते हैं लोग, ये बात सच्ची है। हम तो हिला देंगे इन लोगों को, हिला भी रहे काफी सालों से भाई, एक चिंगारी काफी होती है मैम आग आग लगने जाने के लिए, और एक है कि समंदर में बहुत बड़ा जहाज होता है, बहुत बड़ा, जिसपे बहुत बड़े बड़े ग्राउंड, हॉस्पिटल, सब कुछ होता है, पर अगर कोई टाचनी हो ना, मराठी में हम टाचनी बोलते हैं, छोटी सी होती है सुई की तरह, अगर वो उसे लग जाए पूरे पानी चपेट में लेके जहाज डूब जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। उसी तरह मनुवादी जो नाव है, जहाज है, वो एक चिंगारी काफी होती है मैम। हम वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे कि क्या होता है, कि आज रोते कल और खड़े हो जाते हैं, अगर परसों रुलाते हैं तो फिर उसके बाद और खड़े हो जाते हैं। भाई मरते नहीं हम लोग, हमको मरना नहीं है, मरना नहीं है, आत्महत्या करना कोई सोल्यूशन है क्या? सोचते तो है, सोचते तो है कि चलो मर जाते हैं, देख लेते क्या होता है, ये लोग कैसे जीते देख, पर फिर हमें बाबा साहब जी का वो आग दिखती है मिशन की, कि नहीं मरना भी नहीं मारना भी नहीं, बुद्ध कहती है मरना भी नहीं मारना भी नहीं, जियो और जीने दो। एग्जैक्टली तो फिर और खड़े हो जाते हैं, मिशन दिखता है कि बाबा साहब जी को जैसे मनुवादी लोगों ने रुलाया, फिर भी बाबा साहब जी संविधान और भारत का संविधान ही नहीं तो कहीं कहाँ का, मालूम है आपको, स्टडी है सबको है, सब अच्छे लोग बैठे हो, तो बाबा साहब जी को जैसे फॉरेन में उनका नाम रोशन हुआ है, ओलंपिया विद्यापीठ का ये है कि ऐसे यहाँ के बने हैं, तो हमें हम प्राउड फील करते हैं, बहुत सी बातें हैं। अब हमारे डॉक्टर एनवी ढोके सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे, हम तो स्टूडेंट है, क्या बोलेंगे उनके सामने, पर बात ऐसी है कि बाबा साहब जी की बस आंखों में देखी है और बाबा साहब जी का जीवन चरित्र पढ़ी है। मैं फर्स्ट टाइम रात के 1:30 बजे तक पढ़ी तो मैं खुद रोई, अकेली थी रूम में, मैं खुद रोई, मैं बोली नहीं मरना है भी नहीं मारना भी नहीं पर जीना है तो ऐसे जीना, मनुवाद को हराना है, सही हराना है, तोड़ डालना है उस वृक्ष को, चाहे हमारी कुछ भी हो जाए। आपकी टू लिसन योर थॉट्स आई रियलाइज दैट द वुमेन्स ऑफ द इंडिया इज सफरिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तान द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, but the woman power, woman of the Pakistan is very strong and they are doing work in every field, har shobhe mein wo kaam kar rahi hain, and they are now in the politics or jisko kehte hain to making the laws, usme bhi shamil ho rahi hain, aur lekin jo ek masail agar main dekhti hu Pakistan mein, jaise aap baat kar rahi hain to मैं, आप स्टूडेंट हैं और आप इतनी मायूसी की बात करें तो मैं आपको थोड़ा ये कहना चाहूंगी कि अगर हम सारी खवातीन आपस में एक ग्रेट कनेक्शन बनती है दुनिया भर की, ग्लोबली, चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, कनाडा की हो, और वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, एक दूसरे की पावर बने, और एक दूसरे को एनर्जी दें, और एक दूसरे से मोहब्बत जो है उसे एक्सचेंज करें, तो मैं समझती हूँ कि फिर
हमें इस तरह की मायूस कुन सूरत हाल को हम चेंज कर सकते हैं, हमें हमें अपने इर्द गिर्द जो है उजाला नजर आएगा। जैसे कि मैं भी पाकिस्तान के एक आम, कराची के एक बहुत ही आम से इलाके से मेरा ताल्लुक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट यहाँ कर काम कर रही हूँ। और अभी 16 को हमारा वुमेन्स डे के हवाले से ही एक हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हम अवेयरनेस सेशन करते हैं, जो खवातीन स्किल नहीं होती, जिनको घरों से इजाजत नहीं मिल रही होती, हम उस प्रोग्राम में उनको मधु करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका एतमाद बढ़ाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, आप मिलें जुलें लोगों से, इंटरेक्ट करें, और फिर कोई ना कोई सोल्यूशन आपका निकल जाएगा। अगर उन्हें रोजगार के कोई मसाइल होते हैं तो हमें हम उसमें उनको गाइड करते हैं। हमारा पूरा एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सारे इलाके की खवातीन, चाहे वो इंटर और बीए की स्टूडेंट्स हों, चाहे वो शादीशुदा खवातीन हों, क्योंकि एक मसला ये भी होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी फैल के कम उम्र में शादी हो जाती है। जब कम उम्र में शादी हो जाती है तो अभी उसे वो जो लड़की होती है वो खुद इस काबिल नहीं होती है कि अपने आप को संभाल ले, और फिर वो उसे उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। तो इस तरह की भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार होती है। तो हम उसके वो खवातीन आकर उन मसाइल पर बात करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ज्यादातर खवातीन जो होती हैं वो महिलाएं जो होती हैं वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को मैनेज करना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इवन दो कि उनकी एजुकेशन भी इतनी नहीं होती, अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं की होती। तो जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्पावर द वुमेन, तो मैं समझती हूँ बेसिक थिंग इज दिस कि वी शुड ट्राई टू मेक आवर सेल्फ टू बिकम एवरी गर्ल और एवरी वुमेन टू एजुकेटेड एंड द स्किल। इफ द वुमेन इज अ स्किल्ड एंड एजुकेटेड, they will take out the solution of the every problem. So they can face the problem, they can face all the challenges, and they can prove their abilities. Because naturally every woman has the skills of the management or and the power of love every woman has. So uske paas to bahut kuch hota hai, तो उसके लिए बहुत आसानी होती है। बस मैं समझती हूँ एज वुमेन, एज फीमेल, मैं बहुत एक आम सी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, बट माय फादर, ये कॉन्फिडेंस आपको घर से मिलता है। अगर इनिशियली लेवल पर हर बच्ची को घर से करेज मिले, टेंशन अटेंशन मिले और इनकरेजमेंट मिले, तो हर लड़की जिसने बाद में बड़े होकर एक खातून बनना है, एक माँ बनना है और अमली जिंदगी में कदम रखना है, तो उसके ऊपर उसको वो एक पुरएतमाद शख्सियत होगी और उसे अपने ऊपर एतमाद होगा। और जब इंसान को, जब ह्यूमन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो दे कैन मेक द न्यू वे, दे कैन एक्ट द पावरफुल रोल इन द सोसाइटी। तो मैं ये समझता हूँ, मैं इसका पॉजिटिव ये देखती हूँ कि मतलब हम खवातीन आपस में कनेक्टिविटी पैदा करें, पॉजिटिव सोशल मीडिया को यूज करें। मतलब मैं सोल्यूशन की बात करती हूँ, मैं सिंपैथी पे नहीं जाती। हमें यह बना, वो कहते हैं ना कि खुद तरसी की हालत से निकलना चाहिए, लोग हमारे लिए कुछ नहीं करें, नो वन विल डू फॉर अस, वी जस्ट कैन डू आवर सेल्फ। ऑल द वुमेन्स, ऑल द ग्लोबली आई एम टॉकिंग अबाउट द, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द वुमेन्स ऑफ द इंडिया और वुमेन ऑफ द पाकिस्तान, मैं सारी दुनिया के लोगों, खवातीन की बात, महिलाओं की बात कर रही हूँ कि वी जस्ट कैन डू आर सेल्फ, वी आर ब्यूटिफुल, वी हैव द ब्यूटिफुल सोल, वी हैव द पावर टू डू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर वी वॉन्ट टू डू। तो बस हमने क्या करना है, वेरी फर्स्ट वी रियलाइज वट वी हैव द पावर, हमारी जो क्वालिटीज हैं हमें उसको रियलाइज करना है कि वट वी हैव। सो हम तो धूम मचाते हैं, अब देखें अब आपके, अब नो वन कैन, जैसे आप कह रही हैं के गुलाम है, या आई रियलाइज दैट के बहुत सारे एरियाज में कंडीशन जो है, रूल्स इस तरह के बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों के, कारखानों के, या वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा हार्श होते हैं कि वुमेन्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो अब ऐसा ऐसा सूरत हाल चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ के वुमेन जो है वो गिव अप नहीं कर रही, तो हमें गिव अप नहीं करना। और जैसे आपने सुसाइड का कहा, खैर आई एम द मुस्लिम, तो हमारे यहाँ तो हमारे अकॉर्डिंग टू माई बिलीव वी आर नॉट अलाउड टू डू द सुसाइड, बिकॉज वी बिलीव दैट के अल्लाह सुभान ताला, ये जिसको आप गॉड कहते हैं, जो भी बिलीव होता है, तो वो हमेशा एक जस्टिस करने वाला आपके साथ मौजूद है। तो वो आपको कभी भी कोई ऐसी ऐसा ऐसा
ऐसी वो नहीं देता, दर्द नहीं देता, पेन नहीं देता जिसको आप बर्दाश्त ना कर सके, जिसको आप बियर ना कर सके ना। तो जो कुछ देता है बस हमें क्या करना है, हमें सब्र करना है और फाइट करना है, स्ट्रगल करना है, गिव अप नहीं करना। और आप तो माशाल्लाह स्टूडेंट है, यू आर टू यंग एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो मैं समझती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने अपने आप को ये कहना है आई एम द पावरफुल, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो आपका पूरा एक माइंड सेट जो है ना वो चेंज हो जाएगा, जो हमारे सोसाइटी के जो रूल्स हैं खवातीन को प्रेशराइज करते हैं या जो उन्हें ये जताते हैं कि आप कमजोर हैं, आप ये नहीं कर सकती। तो देखिये खातून जो महिलाएं हैं वो भी एक ह्यूमन है, और बनाने वाले ने हमें भी वो सारी पावर दी है, ताकत दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम इस प्रोग्राम में अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को खवातीन के हवाले से, जो पूरी दुनिया में आप देखें ना हुकूमत कर रही हैं, मुल्कों को लीड कर रही हैं, खेल के मैदान में झंडे गाड़ रही हैं, साइंस के मैदान में झंडे गाड़ रही हैं, मैं एक बात को रखती हूँ, जी जरूर, मैं एक बात को रखती हूँ कि आपने गॉड का कहा था, कहा है अभी अभी, तो मैं कहती मैं मतलब बोलना चाहती हूँ कि बुद्ध फिलोसॉफी में कहा है कि मैं स्टडी करती हूँ, किया है और प्रचार भी कर रही हूँ अभी 15 साल से। तो बुद्ध ने कहा है कि मतलब जो नैसर्गिक कहा, जो निसर्ग है, नेचुरलिटी जो है, उससे हम बने हैं, उससे हम बने हैं, तो वो वही हमारे ऊपर ध्यान रखता है कि भाई ये गलत काम कर रहा है कि सही काम कर रहा है। तो अगर ये गलत करता है तो इसको गलत परिणाम इसके इसी जन्म में मिलेगा, एक ही जन्म बुद्ध ने कहा है। अगर ये अच्छा काम करता है तो इसका फल इसको यही अभी मिलना है, भले ही उसको कुछ समय लगेगा, तुरंत तो नहीं मिलेगा। बुद्ध फिलोसॉफी में कुछ तुरंत नहीं है, सब्र करना है। तो वो नेचुरलिटी जो है वो हम पे फोकस कर, कुदरत, सही, बिल्कुल कुदरत, आप कुदरत बोलती है ना बराबर, तो वो हम पे फोकस करती है, तो हम उस पर बहुत विश्वास करते हैं कि भाई हमने तो भगवान नहीं देखा, हमारे हमारे सबके जो बाबा साहब जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो बुद्ध के तत्व पे चले, तो उन्होंने कहा है, तो बुद्ध ने कहा तो उन्होंने ही हमको सब बताया है। तो वो कहते हैं कि बुद्ध कि भाई ये नैसर्गिक जो है इससे हम बने, और विलीन भी इसी में होते हैं मृत्यु के पश्चात, तो यही हम पर फोकस करता है कि हम गलत है तो गलत परिणाम हमें इसी जन्म में है, क्योंकि इंसान के पास एक ही जन्म है, और अच्छा अगर करते तो परिणाम इसी जन्म भरा, समय लगेगा, कोई जल्दी नहीं मिलेगा, तो हम इस पे भरोसा करते, हम इसी को भगवान मानते हैं। ये बात हम इसी को भगवान मान, ये स्टडी है, इसीलिए कहती हूँ मैं, इसका स्टडी कर रहे हैं, करते भी है, पढ़ाते है, अभी तो वुमेन को पढ़ा रहे हैं, वीआरओ में पढ़ा रहे हैं, प्रवचन करते हैं, तो डेली हम पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब हाँ, तो महिलाओं की स्थिति पे बात करनी थी, तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि भाई ये जो पॉलिटिकल साइंस में हिटलर है, हिटलर की स्थिति इतनी खतरनाक थी कि वो साम्राज्यवादी था, वो साम्राज्य करता था, हर सबको मारता था, सिर्फ मारने का काम करता था प्रजा को, पर क्या हुआ फिर, कौन कौन हिटलर को मान रहा है, कहाँ ऊंचे स्थान पर हिटलर है, भाई भगवान बुद्ध है, भाई भगवान बुद्ध तो 10 से 11 देशों ने स्वीकार किए है, पहले ऑल फिलोसॉफर को स्वीकार करते थे, फिर फिलोसॉफर के ऊपर भगवान बुद्ध की फिलोसॉफी जग ने, ना कि भारत देश, पूरे जग ने एक्सेप्ट किया, तो हिटलर को कहा, फिर हिटलर ने क्या किया, फिर हिटलर तो हार गया, तो खुद को ही गोली मार दिया, बराबर है, यानी वो सुसाइड कर दिया। तो मैंने, मुझे कहना है, मेरा ये रखना है मुझे पॉइंट कि भाई अगर जो कोई अन्याय करता है, औरतों पे हो या बच्चों पे हो या आदमी आदमी पे भी, कौन कहता है कि औरतों पर ही जुल्म होता है, आदमी पे भी औरतें जुल्म कर रही है शादी के बाद भी, चाहे हमारे वो भाई भी होते हैं, कोई कोई तो सुसाइड भी कर रहे हैं भाई मैम, और है कि हमारे भाई लोग जो है उन पे भी अत्याचार हो रहे हैं, पैसे के लिए हो रहे हैं, सत्ता के लिए हो रहे हैं, सबसे ज्यादा तो धर्म के लिए झगड़े हुए हैं इस पूरे वर्ल्ड में, धर्म के लिए युद्ध हो
पॉलिटिकल साइंस में हमारे डॉक्टर प्रोफेसर यशवंत तिरकुड़े सर हमको पढ़ाते हैं, 1.5 साल से हम पढ़ रहे हैं नागपुर में, और डॉक्टर एम बी ढोके सर अम्बेडकर थॉट्स लेते हैं, पर ये यशवंत तिरकुड़े ऑल फिलोसोफर और वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आईज से देख रहे हैं, तो सब ऊपर सबकी फिलोसॉफी बोले तो बुद्ध की फिलोसॉफी, और बुद्ध के सबसे ज्यादा दुश्मन हुए थे क्योंकि वो सत्य पे मार्ग चले हैं, सत्य बोले हैं, तो अकेले पड़ गए थे। तो मुझे ये ही कहना है भाई, कितना भी अन्य अत्याचार करो, पर हिटलर की जो स्थिति हुई है तो अत्याचार करने वालों तुम्हारी भी वही स्थिति हो जाएगी। अच्छा, मैं इस वक्त हमारे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इस वक्त हमारे जितने शुरका यहाँ पर मौजूद हैं मैं उनके सामने एक सवाल रखना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को ये पावर दिया जाए, ये डिसीजन दिया जाए, हुकूमत आपके हाथ में हो, कानून साजी आपके हाथ में हो, तो आप खवातीन महिलाओं की फेवर में कौन सी आप जो चीज है, कौन से तीन इकदाम हैं जो आप करना चाहेंगे, कौन से तीन ऐसे डिसीजन होंगे कि आप ये चाहेंगे कि अगर ये तीन डिसीजन में फौरी तौर पर फॉर द फेवर ऑफ द महिलाएं जो वुमेन्स हैं उनके लिए करूं, अगर आपके पास पावर हो। जी सर, सबसे पहले हम सर से पूछेंगे, अगर आपको पावर मिल जाए तो आप कौन से ऐसे तीन इकदाम खवातीन की फलाह के लिए, फेवर के लिए करना चाहेंगे? आप किन किन को मुखातिब कर रहे हैं? आप पद्मा जी, आपसे मुखातिब सर, आपसे ही मुखातिब। अच्छा, थैंक यू। अच्छा चलो, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छे बोल रहे हैं दोनों ही, अमरपाली जी भी बहुत अच्छा बोले हैं, ज्योति जी भी बहुत अच्छा बोले हैं, आपने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मेरी एक सोच है, अब अमरपाली जी भी ये बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके हाथ में पावर है वो करें। आपके पास पावर क्यों नहीं, आप ये बताइए पहले। नहीं सर, मैं आपको पावर दे रही हूँ कि वो मुझे आपके तीन एग्जांपल बताने हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप हिंदी समझ लेते हैं ना अच्छी तरह? जी जी जी। हाँ, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने, खुदावंद करीम ने, बुद्ध ने, जितने भी हमारे गौड़े, उन्होंने हमें एक से करके भेजा है और कोई फर्क नहीं रखा है। तो ये हमें जो फर्क रखा है, जो आप बात शुरू से सुनना हुआ अच्छी तरह में ध्यान दिया है, तो कहने का मतलब ये, हमारे माँ बाप को ही शुरू करना पड़ेगा। उसमें हमारे माँ बाप ने जो किया, उन्होंने अपनी या तो वो अनक्वालिफिकेशन उनकी उसकी वजह से, क्यों वो अनपढ़ लोग थे, पुराने विचारों के लोग थे। जब हमने भी बचपना देखा है, उस टाइम हमने भी ये देखा है कि हमारी जो बहनें थी उन्हें स्कूल में नहीं भेजा जाता था, तो उनके बारे में ये सुनने में, हमें स्कूल में भेजते थे स्पेशल। अगर कोई कहता भी था इस लड़की को स्कूल में नहीं डाला, तो आगे से जवाब मिलता था इसने कौन सा नौकरी करनी कहीं पे जाके। जी जी। तो सबसे पहले हमें माँ बाप ही दबा देते हैं कि हाँ भाई, लड़की को उसी टाइम एहसास किया कराया जाता है कि हाँ भाई, इसने कौन सा बाहर जाना है, इसने कौन सा नौकरी करनी, इसने कौन सा हवाई जहाज चलाने है। तो उस वो उनकी ये थी, उनकी एक अनपढ़ता के कारण, उनका ये अज्ञानता कह लिए, अनपढ़ता कह लिए, उनको इतना ज्ञान नहीं था। तो आज तो पढ़े लिखी लड़कियां हैं, आज क्यों नहीं ये कहती अपने माँ बाप को, अगर माँ बाप अनपढ़ भी है ना, तो बच्चा ये कह सकता है कि हाँ भाई, जब मेरा भाई पढ़ सकता है मैं क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा भाई साइकिल चला सकता है मैं क्यों नहीं चला सकती हूँ। exactly. अगर मेरा भाई स्कूटर चला सकता है मैं क्यों नहीं चला सकता। तो ये आज की जो जनरेशन है, लेडी जनरेशन है, उसको ये शुरुआत करनी पड़ेगी कि वो अपनी लड़के और लड़की में कोई भेदभाव ना रखे। एग्जैक्टली। सबसे प्रॉब्लम हमारी यहाँ से शुरू हुई थी, और नहीं तो जितने भी हमारे जो गुरुपीर हुए ना, हमारे धर्म में सिख धर्म में, मैं आपको बताता हूँ, शायद आपनी हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी सिख धर्म के लिए, सिख धर्म के उसमें संबंध में, तो उसमें एक इक्वलता नजर आती है, ऐसी बात नहीं है, एक बराबरता नजर आती है उसमें। मैं गुरबाणी, गुरु नानक देव जी की बाणी है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान, के उसको मंदा मतलब उसको माड़ा क्यों कहा जाता है, जिसने बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े बादशाहों, बड़े बड़े गुरु पीरों को, और इवन के अल्लाह ताला भगवान को भी जन्म देने वाली थी, एक माँ है ना, जी जी, एक औरत है ना, फिर उसको माड़ा क्यों कहा जाता है?
तो कहने का मतलब गुरु साहब ने जो हमें समझाया है, जो हमारे गुरु पीरों ने, हमारे रहबरों ने जो हमें समझाया है, वो उसको ही समझ लीजिए प्लीज। तो आज हमें ये नहीं समझना, और मैं एक बात और आप कोट करूंगा आपके उसमें, आप ये बताइए कि शायद आपके पाकिस्तान का तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं कि पाकिस्तान में ये है नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में कई त्योहार ऐसे हैं, ये हमारे जो बैठे हैं अमरपाली जी बैठे हैं, एक दूसरे बहन जी बैठे हैं ज्योति जी, मैं उनको खास करके कह रहा हूँ, पाकिस्तान के मेरे को नॉलेज नहीं, क्यों वहां मेरे ख्याल नहीं हो सकते ये त्योहार, जिन त्योहार के बारे में मैं जिक्र करूंगा आज, जिनकी वजह से हमें शुरुआत से एक ऐसे त्योहार बनाए गए हैं कि जिस त्योहार से इन औरत के अंदर, महिलाएं के अंदर उसको नीचा ही समझा जाता है। हर टाइम एक त्योहार आता है रक्षाबंधन कहते हैं जिसको, आप तो आपने सुना होगा शायद फातिमा जी, मैंने सुना है क्योंकि मैं डायरेक्ट सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ। हाँ, एक त्योहार है रक्षाबंधन, वो तो बहन जी अच्छी तरह जानती हूँ, ज्योति और अमरपाली जी, वो तो हिंदुस्तान में रहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें बहन को ये दिखाया जाता है कि वो हमेशा अपने भाई के ऊपर डिपेंड है। सही, वो क्या है, 11 महीने और 29 दिन चाहे भाई उसके घर पे बैठ के खा रहा है, बहन के घर पे, पर वो जो 12 महीने और 30वां दिन आता है ना, 11 महीने 30वां दिन आता है, उस टाइम उसको एक वो एक रखड़ी लाती है, तागा बलाती है और उसके हाथ में बांध देती है, और वो उसको 5 या 10 या 20 या 100 या 500 रुपए दे देता है। वो उस टाइम ये शो कर देता है, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, चाहे 12 महीने उसके घर पे बैठ के खा रहा है, और वो उसको पढ़ा रही है, वो उसको कपड़ा कर रही है, सारा कुछ। ये त्योहार हमारे कहाँ, ये त्योहार हमारे कहाँ से बने, ये मनुवादी सोच से पैदा हुए, माफ करना आपको नॉलेज होगी इसके बारे में। अब यहाँ एक औरत को, जब बच्ची एक छोटी सी जब होश संभालती है, 4-5 साल की है, 5-7-8 साल की होती है, वो उस टाइम देखती है इस त्योहार को, तो उस टाइम वो अपने आप को नीचा और गरीब और एहसान और गरीब और मतलब बिना सहारा समझती है कि अभी मैं असहारा हूं, मेरी रक्षा केवल मेरा भाई ही करेगा, मेरे बाप ही मेरी रक्षा करेगा। फिर आगे चलो, एक त्योहार और आता है आपके एक त्योहार आता है भैया दूज, उसमें भी ऐसे होता है, उसमें भी भाई थोड़ा सामान, उसके कपड़े वगैरह, बहन के कपड़े, उसके बच्चों के कपड़े, अपने पराने के जीजा के कपड़े लेके जाता है, और वो उस टाइम भी यही उसको एहसास कराने जाता है कि मैं तेरी रक्षा करता हूँ, चाहे वो पैसे उससे ज्यादा बहन उसको दे देती आने के टाइम या पहले दे जाती है। कई बहनें मैंने देखी कि जो भाइयों को पाल रही है बचपन से, और इवन के चाहे वो फैमिली मैन भी हो गए, जब भी उनको पाल लिए, पर वो एहसास ये कराता है कि मैं तेरी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पे हमें इन त्योहारों का खात्मा करना पड़ेगा। जब हमारा ये त्योहार आता है, उस टाइम हम भाई को कहेंगे, हम तेरे हाथ पे रक्षा के लिए राखड़ी क्यों बांधे, क्योंकि तू तो हमारे पास बैठ के खाता है, तू किस चीज की रक्षा करेगा हमारी, ये बताओ पहले। तो कहने का मतलब है, उस टाइम दो तीन त्योहार तो मैंने आपको ये बताए हैं। फिर आप एक और आपके नॉलेज में एक बात लाऊंगा मैं, खास करके इंडिया के बारे में है, यहाँ पे इन देशों में नहीं है, जैसे अमेरिका है, कनाडा, इंग्लैंड है, यहाँ पे नहीं है, ये लोग नहीं है, पर हमारे लोग यहाँ पे यही कुछ कर रहे हैं। ये बताओ, जिस टाइम बच्ची लड़की, जो हमारी लड़की है, किसी की भी है, वो जो जब 5-6 साल 7 साल की हो जाती, उसके नाक में छेद किया जाता है और कान में छेद किया जाता है, आपको शायद नॉलेज होगी। जी जी हाँ, तो उसको ये एहसास कराया जाता है, और उसके कान में छेद करके एक छल्ला डाल देते हैं, और किसी के नाक में और कान में छेद क्यों करते हैं आप मेरे को बताओगे प्लीज, जिस चीज को कंट्रोल करते हैं अपने अपने बस में, उसके नाक में और कान में उसके छेद करते हैं, और उसको जैसे हम मैं वो लफ्ज नहीं बरतूंगा, जैसे हम किसी पशु के नाक में छेद करके उसमें रस्सी डाल देते हैं, ताकि अपने इशारे से चलाता है मालिक उसको। ये तो आपको समझते हैं ना आप इस बात को।
ऐसे ही उसको ये एहसास कराया जाता है बचपन से ही, जब वो 4-5 साल की होती है लड़की, उसको एहसास कराया जाता है कि आज से तेरे नाक में और कान में मैंने छेद कर दिया, अभी इसमें चाहे वो एक अलग है कि उसको फैशन बना दिया, पैसा जब आ गया तो उसमें सोना डाल लिया, नहीं तो चाहे उस छेद में रस्सी डाल लो, चाहे उसमें लोहा डाल लो, ये उसको कंट्रोल करने का इशारा है कि अभी आज से तू कंट्रोल, पहले माप पहले भाई और बाप के अंदर कंट्रोल, माँ बाप के अंदर कंट्रोल रहती है लड़की, उसके बाद शादी हो जाती है फिर अपने हस्बैंड के अंदर कंट्रोल रहती है, फिर उससे बाद उसके बच्चे हो जाते हैं फिर बच्चों के कंट्रोल रहती है, तो सारी जिंदगी लड़की से माँ बनती है, माँ से वो दादी बनती है, चाहे वो बहन बनती है, बुआ जी बनती है, पर वो सारी जिंदगी उसी चीज का एहसास उसको कराया जाता है, और उसका मतलब ही यही है कि हाँ भाई इसी करके तेरे नाक में और कान में छेद करके आज से तो हमारे कंट्रोल लगी, जैसे हम खींचेंगे जिधर को हम तेरे को चलाएंगे उधर को तेरे को चलना पड़ेगा। तो ये शुरुआत आप लोगों को आज की न्यू जनरेशन जो लेडीज है उनको करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि कोई करेगा हमारी आजादी, कोई क्यों करेगा, हम खुद क्यों नहीं कर सकते। जब आज की लड़कियां देखो और आर्मी में लड़कियां जा रही है, पुलिस में लड़कियां जा रही है, पायलट लड़कियां बन रही है, और ये आपको शायद मालूम होगा, सबको मालूम है कि इंग्लैंड की जो महारानी है वो देखो पहले उनकी मम्मी महारानी थी, अभी वो महारानी है 90-95 साल के हो गए। तो ऐसे हम क्यों नहीं, हम अब उसको उनकी तरफ क्यों नहीं देखते। अगर कोई ऐसे कहता है कि हाँ भी आप एक औरत है, आप एक लड़की है, तो उनको ये भी तो एग्जाम्पल दीजिए कि हाँ भी वो भी तो एक औरत है, इंग्लैंड के ऊपर राज कर रही है, और हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही है, कि वो भी तो एक औरत थी ना। तो उनको उनको ये एग्जाम्पल दीजिए, उनको ये प्रमाण दीजिए कि हाँ भी ये देखो ना आप हमें कहा। हाँ जी सिंह सर, मैं आपको एक बात इस पे बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, अनुमति है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। औरत खुद गुलाम रहना चाहती है, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने यही शुरुआत की। औरत अगर अगर औरत खुद गुलाम रहना चाहती है, एग्जांपल हाँ, देती हूँ मैं, एग्जांपल देती हूँ, घर का ही है। हाँ जी, हाँ बोलिए। हमारी बड़ी सिस्टर का ही है, मौसी की लड़की का। हाँ जी, कि खुद तो खुद पढ़ी है, खुद अच्छे ऑफिस में भी है, कमिश्नर में पीए है। हाँ जी, अगर एक छोटा भाई है उसका बहुत लाड प्यार चालू रहता है। अच्छा, बहुत काफी के सर से ऊपर ज्यादा बैठ गया। हाँ जी, बात ऐसी है कि रक्षाबंधन के दिन वो उसके दिन भर रात 12 बजे तक राह देखती थी, पर राखी बांधे बगैर खाना नहीं खाएगी। हाँ, मतलब ये देखो ना कि वो हालांकि वो खुद डिपेंड है अपने आप पे, सारा कुछ करती है, अच्छी जॉब है, औरत खुद गुलाम बनना चाहती है, क्या करे। तो खुद गुलाम बनना चाहती है आज की औरतें, उनकी सोच मनुवादी सोच है, और उनकी सोच यही है कि हम खुद गुलाम रहे। अब ये देखो जब आज वो ऐसे कर रही, कल उनकी लड़की क्यों नहीं ऐसे करेगी, उन पे भी ऐसा डालेंगे वो, क्या भी नहीं, भाई की रिस्पेक्ट करनी है, और भाई को ऐसे करना है। भाई लोग अगर साल भर खाते हैं, 365 दिन में से एक दिन राह देखना है उनकी। अगर औरत खुद अपना हाल करती है तो उसके ऊपर क्या सोल्यूशन होगा, मुझे तो नहीं लगता दुनिया का कोई सोल्यूशन होगा, क्योंकि फिर ऐसे मतलब कोई किसी का एक का भाई नहीं है तो, बल्कि सभी के अगर इस दुनिया के भाई, हाँ दुनिया के भाई लोग, तो अगर सभी के, बहन सभी की है, तो भाई तो बैठेगा ही बंदा सर पे। हाँ हाँ देखो भाई तो बैठेगा ही सर पे अगर। हाँ वैसे तो वैसे तो आप देखिए थोड़ा सा कि ये साइंसी नहीं बनती है कि आप एक लेडीज, कोई भी लेडीज है, वो अमेरिका बैठी है और भाई उसका इंडिया बैठा है या पाकिस्तान में बैठा है, अब वो क्या करती है कि हाँ भी या तो उसको स्पेशल रखड़ी बांधने जाती है, अगर किसी कारण नहीं जा सकती तो उसको बाई पोस्ट बाई मेल उसको रखड़ी भेज देती है। अब ये बताओ रखड़ी का मतलब क्या है, उसके आखिरी अर्थ क्या होते हैं, उसका मतलब होता है रक्षा करना, उस त्योहार का मतलब ही रक्षाबंधन है ना, उसका नाम ही रक्षाबंधन है कि रक्षा करना, इस करके तेरे को आज मैंने बांध दिया इस धागे। अब इन केस अगर किसी बहन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कठिनताई आती है, वो अमेरिका में बैठी है, तो उसकी रक्षा पहले उसका हस्बैंड करेगा या उसका उसका भाई करेगा अमेरिका में, इंडिया बैठा।
तो असली रक्षक, असली 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 रक्षक तो उसका उसका हस्बैंड है, और वो खुद पहले रक्षक बने। वो अपने हस्बैंड पे भी क्यों क्यों निर्भर करे, क्यों डिपेंड होए, वो खुद पे क्यों नहीं डिपेंड होती कि हमें मेरी रक्षा क्यों करे कोई, जब दो ही हाथ बहन के हैं, दो ही भाई के हैं, वही दो आंखें बहन को दी, वही दो आंखें भाई को दिए, वही दो पैर भाई को दिए, दो बहन को दिए, तो वो डिपेंड क्यों होना चाहती है भाई पे? वो क्यों एहसास कराना चाहती है कि अबे मैं छोटी हूं और मैं निर्बल हूं, मैं बिल्कुल तेरे पे डिपेंड हूं, मैं अपने आप पे निर्भर नहीं हूं। वो तो कहने का आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पढ़ लिख के भी लोग वहीं पे खड़े हैं जहां पे आज से 100 साल पहले खड़े थे, वहीं पे खड़े हैं। आज भी अपनी आजादी खुद नहीं चाहते हैं लोग। तो इस करके मैं आपको भी ये कहता हूं कि आप अपने घर से शुरू कीजिए पहले। आप अपने घर से शुरू करेंगे, आप अपने घर से शुरू करेंगे तब बाहर होगा। कल आप अपनी लड़की को ये सबक देंगे, ये उसको लेसन देंगे कि बेटा नहीं, जैसा मेरा बेटा है ऐसी ही तू है। जिस स्कूल में वो जाएगा, अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो भी अच्छे स्कूल में तेरे को बराबर उसी स्कूल में मैं भेजूंगी। जो फैसिलिटी मैं लड़के को देती हूँ वही मैं तेरे को दूंगी। तो ये उस लड़की को एहसास ही ना कराया जाए कि अभी तू एक लड़की है। भाई लड़की होने का कोई उसकी कोई गलती थोड़ी, उसका गुनाह थोड़ी कि लड़की बन के उसने मैं जन्म लिया है तो उसकी गलती है, वो उसका गुनाह है। वो तो भगवान ने जो उसको दिया है, जो भी लड़की बनाया लड़का बनाया वो भगवान की मर्जी है। पर आप उसको एहसास कराते हो कि अभी तेरी गलती है कि तू लड़की है, इस करके तेरे को पढ़ाया नहीं जाएगा, तेरे को अच्छे स्कूल में नहीं डाला जाएगा। हमने ये भी देखा है कई अपने लड़कों को अच्छे अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं और लड़की को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। तूने कौन सा नौकरी करनी कही, पहली बात तो पढ़ाते ही नहीं है। मैं आपकी दो बातों को दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। आपने कहा कि खवातीन जो है वो खुद ही इस महरूमी के एहसास को खत्म कर सकते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट करें, बच्चे को और बच्चे को, ठीक है ना? बिल्कुल, और बिल्कुल। थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि ये गुलामी और कम दर्जे की जो है मखलूक समझना औरत को, क्योंकि हम इन अल्फाज का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि जो हमारे सुनने वाली महिलाएं हैं, जो हमारे ऑडियंस हाँ। है, वो तो मैं समझती हूँ इससे भी एक गलत इम्पैक्ट जाता है। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर आपको पावर मिल जाए तो आप हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए, दुनिया भर की महिलाओं के लिए, कि उनको रिलीफ मिल सके, वो एम्पावर हो सके, मैंने आपको उसका जवाब तो दे दिया कि खुद अगर जिस दिन हम खुद ये सोचेंगे कि अभी हम किस पे डिपेंड नहीं है मैडम, उस दिन हम हमें और भी कोई सपोर्ट करेगा। जिस दिन हम खुद नहीं थोड़ा उठ के चलना सोचेंगे, हमें कोई सपोर्ट नहीं देगा। पहले आप खुद कोशिश कीजिए कि अभी हम खुद अपने पे डिपेंड है, हम सेल्फ डिपेंड है, हम किसी पे डिपेंड क्यों हो। मैं इसी करके कहता हूँ कि ठीक है, जागृति आई है, थोड़ी जनरेशन थोड़ा पढ़ लिख के थोड़ा सा आगे बढ़े हैं लोग, जो वुमेन है। अब जैसे आपने शुरुआत में की थी बात कि वुमेन डे का मतलब ही ये नहीं कि साल में एक दफा वुमेन डे आप मनाते हैं। और वुमेन डे का हमारे तो कल्चर में हिंदुस्तान में भी ऐसे सिखाया जाता था, और हमारे गुरु ग्रंथ साहब भी ये कहते हैं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, ये सबसे पहला गुरुदेव ही माँ है। हमें तो ये कहते किया जाता है कि सबसे पहले आप अपने माँ के चरणों में नमस्कार कीजिए, मथा टेकिए और माँ से आशीष लीजिए तो सब कुछ ठीक है। परमात्मा भगवान अल्लाह ताला खुदावंत करीम, उसको तो हमने अभी देखा ही नहीं है, इसलिए भगवान तो हमारा हमारी माँ है जो हमारे हमें बोलना सिखाती है। हमें माँ ने ही तो बताया है कि हाँ तुम्हारा पापा कौन है, तुम्हारा ताऊ कौन है, तुम्हारा चाचा कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, ये तो हमें माँ ने बताया ना, और तो किसी ने नहीं बताया ना। सो सबसे पहला गुरु हमारा माँ, हमारी माँ है। पहले हम अपनी माँ का 365 दिन हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खाली एक दिन वुमेन डे बनाने से। जैसे कई देशों में मदर डे भी मनाया जाता है, तो मैं तो जब भी यही कहता हूँ तकरीबन, क्या अभी मदर डे भी कोई एक दिन के लिए नहीं होता है, डेली के लिए मदर डे मनाइए आप प्लीज, डेली के लिए वुमेन डे मनाइए प्लीज, डेली के लिए फादर डे मनाइए आप प्लीज, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो वही फादर डे है। खाली एक फूल देने से फादर डे और मदर डे नहीं हो जाता है, या वुमेन डे नहीं हो जाता है। मैं तो कहता 365 दिन आप वुमेन की रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए,
तब वुमेन डे मनाने के हकदार हैं। जैसे अमरपाली जी बोल रहे थे कि ये दिन क्यों मनाते हो, मैं कहता बिल्कुल एग्री हूँ आपके साथ, बिल्कुल मनाने को कोई मतलब ही नहीं, ये तो खाली एक दिखावा है कि आप 364 दिन तो आप उनका अपमान करते हो, एक दिन सम्मान करने से क्या हो जाएगा, या उनकी फोटो में खींचने से, उनकी वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा। हाँ जी हस्तिमा जी, मैं एक बात रखूंगी। जी जी जरूर बोलिए। मुझे कहना है कि महिलाओं का जो पिछलापन जो है, खुद को पीछे ले जा रही है महिला, इसका मैं एक प्रूफ देना चाहूंगी कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैम हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जो अन्याय होता है घर घर में, समाज तो बात की बात है, जब घर के लोग अगर हमें औरत को इज्जत दे तो बाहर के लोग इज्जत देंगे, पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या क्या कि हमारे घर में हम बोले तो हम खुद नहीं, हमारी सारी बहनाओं का हम चेहरा रखना चाहिए कि अगर कोई लेडी अच्छा वर्क करती है, आगे आती है, बहनों को आगे ले जाती है, जैसे हमने खुद तो बहनों को आगे ले गए, हम शादियां भी कर दिए छोटी बहनों, हमें गांव से थे पर हम नागपुर में बैठे, बॉम्बे में, पुणे में बहने हैं, तो जब घर के जो लेडीज लोग भी है, माँ जैसे, सास जैसे, सास तो बात की बात है, पहले माँ को पकड़ती है, पहले माँ की जिम्मेदारी, पहले माँ की जिम्मेदारी, बिल्कुल हाँ, नहीं, नहीं, पहले माँ की जिम्मेवारी, बिल्कुल ठीक करते हैं। सास तो 25-26 के बाद आ जाते हैं। हाँ, पहले तो माँ ही, यही तो, अगर माँ भी अच्छी पढ़ी हो उस जमाने की, 10वीं 11वीं 12वीं, तो अगर 5 बेटियां हो तो माँ बोलती है कि जो क्लेवर होती है, जो मतलब डैशिंग लेवल की होती है घर में, उसको माँ बोलती है कि बेटा तुझे ये बहन का करना है, वो बहन का करना है, उस बहन को उस शहर में ले जाना है, उसकी बैग पकड़ना है, बल्कि उसकी शादी जब होती है तो बेटा पैसा भी लगाना है, ठीक है, फिर पैसा लगने के बाद बेटा उसको शहर में छोड़ना है, पति के घर भी छोड़ना है, क्योंकि उसका पति बड़े कंपनी में, उसका आना नहीं होता बेटा, तो रिवाज है कि बेटा उसको कपड़े भी लेना है, खाना पाना भी करना है, और जब डिलीवरी होती है तो बेटा पैसा भी भेजना है, फिर उस बच्चे को भी लाना है, ले जाना है, कुछ दिन चलता रहता है बेटा, ये मायके के लोग ही जाते हैं, ये सदियों से चलता रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है बेटा। देखो बेटा, अगर तुम कर रहे हो इसीलिए हम आपको थोड़े ना बोल रहे हैं, आप कर रहे हो तो करो, हमने को तो आपको बोला नहीं है, जब बोलते भी है कि बेटा करना है करना है, बेटा आपका कर्तव्य है, आप बहन हो, लोगों के घर देखो बेटा, वो मौसी की लड़की तो बड़ी कमिश्नर की पीए, सब भाई बहनों का कर रही है, पढ़ाई कर रही है, शादी करे, वो देखो बोला मामा की लड़की डॉक्टर ही पढ़ रही है, सब बहनों का कर रही, भाइयों का कर रही, तो आप कौन सा उतना उठा रहे हो, आप कौन सा पहाड़ उठा रहे हो बेटा, तो करता है इंसान, करता है, जब बहने या फिर छोटे बहने चले जाते हैं, फिर क्या औरत करती है तो क्या उम्र भर ही करते बैठे, तो कभी भी चोट होती है दिल पे, तो अगर बोल देते हैं मुसीबत में तो फिर उसका इशू करते हैं, मतलब बड़ा इशू करते हैं माँ भी, कि देखो हमने बोला था, देखो जी सुनो ना, सुनो घर के पास आजू बाजू वाले औरतों, सुनो तुम लोग बोलते हो ना, बहुत करती है ये, बोलती है, करते है करते भाई, बोल के क्या फायदा, फिर तो सब चला जाता पानी में। जब बंटवारे की बात आती है, जब पूरा पूरा अपने हाथों से सबके कर्तव्य कर देते हैं, फिर कुछ मांगने लगती है वो लड़की, पहले बोलते है बेटा तू बेटी नहीं, बेटा है हमारा, रिश्तेदार बोलते है बेटा है, तुम बेटा हो भाई, ये सांप का बेटा हो, कौन कहता है भाई 5 बेटी है, भाई नहीं, अबे तू भाई है बेटा, फिर चाचा बोलेंगे, मामा बोलेंगे, दुनियादारी बोलेंगे। कर रही हूँ ये, आप जिन मसाइल को सामने लेकर आ रही हैं, डेफिनेटली नो डाउट इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द एवरी हाउस, ये फेस करने पड़ते हैं खवातीन को, लेकिन इसमें भी ये हो जाता है कि हमारे खवातीन के अंदर, महिलाओं के अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ उन्होंने यस कहना है, हमें नो कहना भी तो सिखाना है ना, आपने फेवर करना है, आपने सबलिम को फेवर करना है, आपने अपने लॉस को फेवर करना है, आप जो व्हाट यू कैन इजिली डू तो यू शुड डू, बट इफ यू आर बिकम द बर्डनाइज, यू कैन नॉट मैनेज, यू आर नॉट, आप उसे आसानी से नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास एक इख्तियार है, यू कैन
से नो, जितना मैं आसानी के साथ कर सकती हूँ हेल्प तो मैं वो करूंगी। अगर आपको नो कहना नहीं आता, हमारे यहाँ जो तरबियत का एक हिस्सा होता है महिलाओं की, कि उन्हें हर बात पे यस कहना है, जी कहना है, फरमाबरदारी के उसमें आ जाता है ना। तो ये एक बात है कि जी, माँ जी एक बात है कि अगर औरत लड़की समझो कि उसको लड़का बोल देते हैं, बल्कि वो लड़की रहती है, पर वर्क से ज्यादा वर्क करने से या फिर पैसा लगाने से या फिर कमाई करने से या फिर सच्चाई से जब तो उसे लड़के का रूप देते हैं, तो फिर वही लड़की जब लड़के का रूप देते हो, फिर वही लड़की अगर प्रॉपर्टी मांगे थोड़ी सी, तो फिर बहुत बवाल उठता है घर में। बवाल उठता है कि ये कैसे प्रॉपर्टी मांग रही है, अभी हमारे तो सबको देनी है, प्रॉपर्टी के लिए किया था क्या, फिर हमारे पास प्रॉपर्टी थी करके किया था क्या। तो यही बात अगर लड़का हो और उसे अगर बीबी आए और दो बच्चे हो तो क्या कहते हैं, भाई बच्चों को पालना है इसको तो पहले देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है मैम, मैंने मुझे बहुत टच होती है बात को कि वो उस लड़की जब पूरा कर बोला जाता है और वही लड़की प्रॉपर्टी मांगे तो फिर लड़की बोला जाता है कि ये काहे की बात है। बहुत बहुत फर्क है। भारत में तो ये पॉसिबल नहीं है कि औरत को सम्मान मिले, औरत को प्रॉपर्टी मिले मांगे हुए। इसलिए बाबा साहब जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है हक। तो मुझे तो ये लगता है कि माँ बाप बहन भाई भी समाज के हिस्सा है, तो अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय होता है तो हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, तो माँ बाप भी समाज का हिस्सा है, तो हमें उनके खिलाफ भी कोर्ट में खड़ा रहना पड़ेगा, दिल बनाना पड़ेगा, दिमाग पर बनाना पड़ेगा। बल्कि समाज तो यही बोलेगा कि माँ के माँ बाप है अच्छा नहीं है कोर्ट में जाना, पर बाबा साहब जी ने तो ऐसा कहा था कि जो बुद्ध ने कहा था वही बाबा साहब जी ने कहा था। देखो देखो अमरपाली जी, देखो आपको भी मालूम होगा, आप तो बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हो और अपने अच्छी तरह समझा है, उन्होंने कि संविधान में भी कानून में भी लिखा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब जी ने कहा था कि भाई सामने ये मत देखिए कि अपना बाप खड़ा है कटघरे, साक्ष्य देना है, यानी कि विटनेस, अपने को साक्ष्य देनी है तो ये मत देखिए कि सामने अपना बाप कटघरे में खड़ा है। सच्चाई बात कीजिए। बुद्ध बोले तो सच्चाई, मराठी में कहते हैं कि सत्य मंजस बुद्ध, बुद्ध मंजस सत्य, यानी कि सच्चाई बोले तो ही बुद्ध है, बुद्ध बोले तो सच्चाई है। तो अगर सच्चाई एक्सेप्ट करनी है तो सामने अपना चाचा हो कि बाप हो कि माँ हो कि बहन हो, ये मत, खुद अगर हमें अन्याय के खिलाफ उठना है तो फिर आगे हमारा भाई भी हो, और वो अगर कोई रेपर हो बलात्कारी हो तो हमें साक्ष्य देनी है कि हाँ मेरा भाई ऐसा है। यही डॉक्टर बाबा साहब जी की फिलोसॉफी है, बुद्ध की फिलोसॉफी। और हम डरते हैं, हम हिचकिचाते हैं समाज के लिए, नहीं नहीं मेरा भाई, मैं तो इतना सब कुछ समाज कार्यकर्ता हूँ, 2-3 पुरस्कार मिले भाई कैसा होगा। तो ये अगर बात हमारे दिल में आते तो हम झूठे हैं भाई, बिल्कुल झूठे हैं। बुद्ध नाम की हम प्रतिमा लगाए हैं, और बुद्ध नाम की प्रतिमा तो लगाए हैं और पुरस्कार के लिए शायद बैठे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो जब तक हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये यूज ना करें, कठोरता भी जरूरी है। ऐसा बुद्ध ने तो मध्यम मार्ग बोला है। मैं आपको एक मिनट रोकता हूँ, प्लीज सॉरी मांगता हूँ पहले मैं आपसे। जैसे आप जी ने अभी महात्मा बुद्ध जी का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे सब ही जितने भी धर्म के रहबर हुए उन्होंने सब ने ही ये किया है जो आप बता रहे हैं। गुरु नानक देव जी को भी आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लिए, उन्होंने भी जिस टाइम उनको पहले 7-8 साल की उम्र में उनको जनेऊ पहनाना शुरू किया पंडित जी ने, तो गुरु नानक देव जी ने भी सबसे पहले यही सवाल किया था कि ये जो जनेऊ आप मेरे को पहना रहे हो उससे क्या होता है। कहने लगे इससे पवित्र हो जाता है इंसान और इससे हिंदू बन जाता है इंसान। तो गुरु नानक देव जी ने भी यही उनको क्वेश्चन किया था कि मेरी माँ को पहनाया है ये, वो कहने लगी नहीं ये स्त्री के लिए नहीं है, ये मेरी बहन को पहना है, मेरी बहन मेरे से 5-7 साल बड़ी है उसको पहना है, कहने लगे नहीं स्त्री के लिए नहीं है। तो कहने लगे जब मेरी माँ पवित्र नहीं हुई, मेरी बहन पवित्र नहीं हुई, तो मैं इससे पवित्र कैसे हो जाऊंगा।
तो सभी जितने भी रहबर हुए हैं, जितने भी हमारे आगू हैं, जिनके हम फॉलोअर हैं, उन्होंने सबको ही इस चीज को बताया कि इक्वलता जरूरी है, बराबरता जरूरी है। पर ये हम केवल हम समाज के लिए का, हम उनकी बात नहीं मानते जो जिनको हम उनकी प्रतिमा बनाते हैं, उनको माथा टेकते हैं, उनको उनकी वाणी पढ़ते हैं, उनको हम केवल दिखावे मात्र मानते हैं, बाकी चलते हम समाज के साथ हैं। ये हमें समाज मजबूर करते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर हम उनकी बात मानते तो आज हमारा देश का और हमारी दुनिया का ये हाल ना होता जो आज हो रहा है। हमें उन्होंने तो ये सिखाया से थे कि इंसान एक है, इंसान कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है, इंसान सब एक से होते हैं। तो जो रहबरों ने और जो कानून में भी लिखा है उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का केवल मतलब ये था, आपने महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था, इस करके मैंने गुरु नानक देव जी का एग्जाम्पल भी आपको दिया है कि उन्होंने सबने ही हमें शिक्षा एक सी दी है। जिसने कह दिया मेरी माँ को पहले पहना हुआ, अगर मेरे को पवित्र, अगर मैं पवित्र हो गया, मेरी माँ पवित्र रहेगी, तो मेरे पवित्र होने का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब ये है, जितने भी हमारे रहबर हुए हैं उन्होंने सबको हमें बराबरता सिखाई है। और आज से आप अपने मन में भी प्रण कीजिए कि अभी हम कभी भी ये नहीं, अपनी लड़की के साथ, अपनी बहन के साथ कभी भी हम, खास करके हमारे बच्चों के साथ हम ये नहीं करेंगे कि लड़के को अलग समझेंगे, लड़की को यहाँ समझेंगे, हम उनको एक से समझेंगे। हाँ जी, प्रोग्राम समाप्त कर दीजिए, टाइम होगा। ठीक है जी, 7 बजे। हाँ जी, आज का प्रोग्राम यही समाप्त है। आज वोमेन डे के उपलक्ष में रखा हुआ था, तो बहुत अच्छा, जितने भी वक्ता जन और श्रोता जन इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े हैं, सो वॉइस ऑफ मानवता का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप आज वोमेन डे रखा हुआ प्रोग्राम था, उसके उपलक्ष में सभी हमारी जो बहनें थी, फातिमा जी, ज्योति जी, अमरपाली जी, जो थी, बहुत अच्छे बोले, उन्होंने अपने अच्छे विचार रखे हैं। सो हम आश करते हैं कि इस चैनल से ऐसे ही बड़े प्यार से जुड़ सकते हैं, और कोई भी जुड़ सकता है इस चैनल पे, सबके लिए खुल है, सबके लिए वेलकम है। सो आज का प्रोग्राम ये यहीं पे समाप्त है। सो सबको ही वालेकुम सलाम और खुदा हाफिज और नमस्कार, सबको प्रणाम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।